अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों की बहुत फेवरेट है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये है चिकन स्पैगेटी रेसिपी। चले आइए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक पैकेट स्पैगेटी को आप उबाल लेंगे पानी में, नमक और एक चम्मच ऑयल डाल के। और इसके साथ आपको 500 ग्राम इसके लिए चिकन चाहिए, और शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी चाहिए, और नमक और काली मिर्च आपको एक एक टीस्पून चाहिए। साथ में विनेगर, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस 3-3 चम्मच, और लहसुन 3 जवे। 2 टेबलस्पून ऑयल के लेंगे, और इसमें हम ये लहसुन के जवे जो 2 थे इसको सोते करेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। आ गया इस स्टेज पे, हमने इसमें डाल देने हैं, ये देखें 3 चम्मच हमने इसमें सिरके के डाल देने हैं। 1, 2 और ये 3 चम्मच हमने सिरके के डाल देने, और हमने इसमें डाल देने हैं आधा नमक, हमने इस टाइम चिकन में डाल देने हैं। इसको हमने किया मिक्स, और साथ हम सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे और वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये तीनों वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, गाजर और ये बंद गोभी, तीनों इसमें डाल देंगे, और इसको फुल फुला कर लेना। फ्लेम इसका थोड़ा फुल ही रहेगा, फ्राई की। अब ये देखें हमने इसमें डाल देने हैं 3 टेबलस्पून, हमने इसमें डालने हैं चिली गार्लिक सॉस के, 3 टेबलस्पून हमने ये डाल दिया, और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस के। 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून सोया सॉस के। इसको मिक्स करेंगे, आधे मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और साथ में हम इसमें डाल देने हैं नूडल्स जो हमने स्पेशली बॉइल करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमारा फुल है, हमारा ये वेजिटेबल सारी हमारी फ्राई हो गई है, मतलब इसको क्रंची हमने रखना है। अब ये देखें ये हम नूडल्स इसमें डाल देंगे, नूडल्स डालने के फौरन बाद में हमने इसमें जो बचा हुआ नमक था आधा चम्मच हमने डाल लिया था, और काली मिर्च पूरी इस टाइम पर डाल देंगे। इस टाइम पर हम थोड़ा सा सिक्का भी ऐड करेंगे, ये देखें थोड़ा सा सिक्का ऐड करेंगे इस टाइम पर हम, इसको कर लेंगे मिक्स। सब चीज़ों को हम ऐसे फोक की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई है, ये बात ध्यान में रखते हैं, फुल रखते हैं, ये हमारा सबसे ऐसे हमने मिक्स किया। और हम इसको इसी तरह फुल फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे। ये देखें चिकन स्पैगेटी बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करके आप इसको इसकी फाइनल लुक चेक कराते हैं। फाइनल लुक चेक करें आप डिश की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।